ये दे दिया गया है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। मैंने आप लोगों को टीवीएस के एक डिलीवरी से रिलेटेड बाइक के बारे में बताया था कि यदि आप डिलीवरी के पर्पज से देख रहे हैं, दूध वगैरह पहुंचाना है या सिटी में जोमेटो स्विगी वगैरह वाले हैं और उनको सामान डिलीवरी करना होता है, फूड वगैरह या कोई भी जैप्टो वगैरह हो, तो इस पर्पज में बाइक काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। और इस बाइक में अभी कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जो आपके राइड के एक्सपीरियंस को और अच्छा बना देने वाले हैं। मॉडल के बारे में पहले जान लीजिए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो समझ लीजिए। तो मॉडल है टीवीएस रेडॉन और इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, डुअल टोन कलर और सिंगल टोन कलर। इसमें डिस्क का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को डुअल टोन कलर के बारे में बता रहा हूँ जिसमें बाई डिफॉल्ट आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। तो क्या फीचर ऐड हुए हैं ये यहाँ पर देख लीजिए। अभी आपको इसमें मिलने लग गया है फुली डिजिटल मीटर कंसोल, जो कि कुछ इस तरह से दिखने वाला है। नेगेटिव बेस के ऊपर लेटरिंग की गई है मल्टी कलर के साथ में, ग्रीन, येलो, रेड, और इस तरह से आपको यहाँ पर इसका लेटरिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी खूबसूरत चेंज यहाँ पर कर दिया गया इसके मीटर कंसोल में। यहाँ पर आपको मिल जाने वाला है स्पीडोमीटर, टाइम क्लॉक, और गाड़ी न्यूट्रल में है या गियर में है, इको मोड पर चला रहे हैं या स्पोर्ट मोड पर चला रहे हैं, ओडोमीटर, और यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का जो इंडिकेशन है ये आपको मिलने वाला है, और लेफ्ट राइट का इंडिकेशन ये दोनों कॉर्नर पर मिल जाएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है इसके मीटर कंसोल में, जिसमें चेंज किया गया, पहले मैनुअल आता था, अभी आपको ये चेंज देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा चेंज ये दे दिया गया है मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, यानी अभी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मोबाइल चार्ज है या नहीं है, ये फीचर भी ऐड कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। और तीसरा चेंज इसके लीवर में कर दिया गया है। इसका जो राइट साइड का लीवर है, जो ब्रेक लीवर है, ये आपको यहाँ पर काफ़ी स्मूथ कर दिया गया है। और कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आपका जो आगे और पीछे दोनों ब्रेक हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से काम करने वाले, तो वो यहाँ पर एड ऑन कर दिया गया है। तो कुछ ये ओवरऑल यहाँ पर लुक देखने के लिए मिलेगा। तो ये तीन चेंजेस कर दिए गए हैं। इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। डुअल टोन कलर है, तो कलर का जो कॉम्बिनेशन है रेड एंड ब्लैक रखा गया है इस बाइक में। और विंड वाइजर जो है ये आपको मिल रहा है रेगुलर पैटर्न पर। टीवीएस का फ्रंट में आ जाने वाला है ब्रांडिंग, और इसका जो हेडलैम्प का पेरिफेरी है क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है, तो कुछ ए लुक यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हेडलैम्प है ये मिल रहा है हेलोजन लाइट के साथ में। मल्टी रिफ्लेक्टर का यहाँ पर डिजाइन पैटर्न देख लीजिए, कुछ ऐसे मिलेगा। और साइड इंडिकेटर कम्प्लीटली आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में मिल रहा है बल्ब के साथ में। और आउटर पेरिफेरी जो है ये ट्रांसपेरेंट रखी गई है। ये डिजाइन जो है इसको टूटने से बचाता है। कभी कभी क्या होता है, इसका जो साइड इंडिकेटर है स्पेशली बाइक्स का, ये कहीं ना कहीं टकराता रहता है आप जब नैरो एरिया से निकलते हैं, तो ये यदि हार्ड रहेगा तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉफ्ट दे दिया गया है, यदि आपका स्पीड में टकराता भी है किसी चीज़ से तो टूटेगा नहीं, तो यानी आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम इसके मडगार्ड पर। तो ये दिया गया है रेगुलर पैटर्न पर, ग्लॉसी फिनिश रखा गया है, कुछ ही लुक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके मडगार्ड पर ही मिलने वाला है आपको ये कॉर्नरिंग रिफ्लेक्टर, जो कि अगेन आपके कॉर्नरिंग प्रेजेंस के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। बात करें हम इसके सस्पेंशन का, तो फ्रंट में मिल रहा है आपको ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसका रियर पोर्शन जो है एक ग्रेज फिनिश के साथ में आ रहा है। और बात करें हम इसके रियर सस्पेंशन का, तो ये मिल रहा है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर, कुछ इस तरह से रेगुलर पैटर्न में मिल जाने वाला है। टॉप जो है एक क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है। इसके सस्पेंशन के बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम का। तो जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। फ्रंट में मिल रहा है आपको रोटोपेटल डिस्क, कुछ इस तरह से वेंटिलेटेड डिजाइन इसका रखा गया है। और ब्रेक कैलिपर गोल्डन कलर से दे दिया गया है। पीछे में आने वाला है आपका ड्रम ब्रेक, तो इसके जो दूसरा वेरिएंट है उसमें सिर्फ ड्रम ब्रेक आने वाला है। इसमें डिस्क और ड्रम ब्रेक मिल जाएगा, और इसके साथ साथ SBT टेक्नोलॉजी, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, जो आगे और पीछे दोनों ब्रेक जो है यूनिफॉर्म तरीके से काम करे इसके लिए यूज़ करता है। तो इसके वजह से आपकी जो बाइक है वो स्किड नहीं होती है। और इसका जो व्हील है ये 5 spokes के साथ में आ रहा है, ब्लैक टच रखा गया है मैट ब्लैक कलर के साथ में। इसके व्हील का रेडियस 18 inch रखा गया है। साइज मिलने वाला है आपको 2.75 का फ्रंट टायर। ट्यूबलेस टायर इस्तेमाल किया गया है। कमिटर सेगमेंट के बाइक में यदि आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। ट्यूबलेस टायर क्या होता है, एक थोड़ा सा प्रीमियम लेवल में आ जाता है, आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी जरूरी काम करता है। कैसे जरूरी हो जाता है सेफ्टी के लिए, इसमें यदि आप ट्यूब टायर का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें यदि आप चला रहे हैं बाइक, वजन लेते हैं, यदि आप कमिटर बाइक पर आपको वजन हो भी सकता है, गर्मी से भी पड़ सकता है, कई किलो वगैरह भी पड़ सकता है, कैसे भी आपका जो टायर है बस्ट हो सकता है। और गर्मी के मौसम में जब रोड होती तो वो भी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो उस समय बस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली यदि कील वगैरह लगे तो ट्यूब टायर फट जाता है। जबकि ट्यूबलेस टायर जो है कील वगैरह जब लगता है तो उसमें वो फटता नहीं है, जो हवा है वो बहुत स्लो स्पीड से निकलती है। एक तरह से आप जब फ्रिक्वेंसी में रहते हैं तो ना के बराबर होती है, जब बाइक रुकती है या आपका व्हीकल जब रुकता है तब हवा निकलता है। तो आपके सेफ्टी के लिए जो ट्यूबलेस टायर है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें आपको मिल रहा है ट्यूबलेस टायर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और रियर टायर का जो साइज है ये 3.0 रखा गया है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पर भी मिल रहा है। और टायर का यहाँ पर ये डिज़ाइन देख लीजिए, ये कुछ ऐसे मिलने वाला है कि ऑफ रोडिंग वगैरह भी आपका आसान होने वाला है। रेगुलर पैटर्न पर रखा गया है ताकि आपका जो माइलेज है वो भी काफ़ी ठीक ठाक मिलता रहे।
इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद हम आ जाते हैं इसके दूसरे फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फ्यूल टैंक है ये रेगुलर शेप में यहाँ पर दिया गया है। फ्यूल लीड जो है ये आपको परंपरागत जैसे पहले में मिलता था वैसे ही स्टील फिनिश के साथ में आ रहा है। दोनों साइड में टीवीएस का ब्रांडिंग दे दिया गया है और इसके फ्यूल टैंक पर पैडिंग कर दी गई है, कुशन दिया गया है रबर के साथ में। और इसके साथ साथ ये जो मेटेलिक सरफेस होता है ये जल्दी ठंडा और गर्म हो जाता है। यहाँ पर इसका एडवांटेज ये होने वाला है कि आपका जो गर्मी हो या ठंडा हो तो थाइस को ज़्यादा आपके डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो कुशन अच्छा खासा यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इंजन का कलर गोल्डन रखा गया है। एक पेंट कुछ इस तरह से होता है कि लीकेज वगैरह जो होते हैं उससे ये पेंट खराब नहीं होता है, हीट से भी खराब नहीं होता है, तो ये भी इसका एडवांटेज हो जाता है। तो सेंट्रल फिनिश कुछ इस तरह से मिलने वाला है। एयर कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है। रेडियन का यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिलने वाला है। इसमें इको थ्रस्ट इंजन है तो यहाँ पर आपको इसका भी बैजिंग मिलने वाला है। और इसमें मिल रहा है आपको इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम, राइडर और पिलेन राइडर दोनों का कुशन के साथ में आने वाला है फुटरेस्ट, और लॉन्ग साइलेंसर रखा गया है। साइलेंसर का जो मफलर है ये स्टील फिनिश के साथ में दिया गया है। एक एडवांटेज यहाँ पर आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था जो कि डिलीवरी पर्पज़ से है, यदि दूध वगैरह का डिलीवरी कर रहे हैं या सामान वगैरह का कर रहे हैं तो इस हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेडीज़ वगैरह यदि ट्रेवल कर रही हैं तो इसको एज अ ग्रैब हुक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको राइडर को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका आपको डुअल पर्पज यहाँ पर इस्तेमाल मिलने वाला है। और सीट जो है ये आपको मिल रही है एंटी स्लिप के साथ में, लॉन्ग सीट रखी गई है और स्टिचिंग वर्क यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ ऐसे मिलने वाला है ग्रे कलर से, तो काफ़ी खूबसूरत इसका लुक हो रहा है। और इसका जो ग्रैब रेल है ये स्टील फिनिश में दिया गया है और इसके ग्रैब रेल पर ही दे दिया गया है एक्सटेंडेड पोर्शन, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिस पर 8 kg का वेट आप इजिली कैरी कर सकते हैं। तो बॉक्स वगैरह इस पर रखे जा सकते हैं यदि फूड वगैरह का डिलीवरी करते हैं तो। और टेल अपीयरेंस कुछ ऐसे बनने वाला है। और लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर मिल रहा है लेडीज़ फुटरेस्ट के साथ साथ सारी गार्ड। लेडीज़ के लिए ये फुटरेस्ट जो है काफ़ी अच्छा काम करता है, तो एक कम्यूटर सेगमेंट के बाइक में ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड भी रहती हैं। और इसमें दिया गया है आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि आपके सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। तो ये सारा डिटेल था इस बाइक के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता देता हूँ। इसमें इंजन आपको मिलता है 109.7 cc का 4-stroke एयर कूल्ड इंजन जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 8.19 PS का, और पीक टॉर्क आपको मिलने वाला है 8.7 Nm का। इसमें 4-speed गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ इसका डायमेंशन देख लेते हैं। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है 180 mm का, व्हील बेस 1265 mm का मिलने वाला है। और इसका जो ओवरऑल हाइट है ये दिया गया 180 mm का, और कर्व वेट मिल जाएगा आपको 118 kg का। तो 118 kg के वेट में ये बाइक आपको मिल रही है। तो ये सारा डिटेल था इसके डायमेंशन और इंजन के बारे में। अभी मैं आप लोगों को इसके कंट्रोल स्विचेस के बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर 4 कंट्रोल स्विच मिल जाता है, पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको मिल जाता है ये 2 हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए और इसको स्टार्ट करने के लिए। सिंगल रेसिंग बार रखा गया है और इसका जो रियर व्यू मिरर है क्रोम फिनिश के साथ में आ रहा है। स्टील फिनिश में दिया गया है इसका बार और राउंडेड रखा गया है। तो ये सब डिटेल था इस बाइक के बारे में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाला है आपको 10 लीटर का। माइलेज आपको 60-65 के आसपास मिलने वाला है। ऑन रोड प्राइस इंक्लूडिंग एवरीथिंग ड्यूअल टोन कलर और न्यू मॉडल का पड़ने वाला है 96,000 rupees। तो अंडर 1 lakh आपको ये सारा ऑप्शन मिल जा रहा है। डिलीवरी वगैरह के पर्पज से देख रहे हैं या डेली कम्युनिटी में है, कम प्राइस में आप चाहते हैं और अच्छा माइलेज वगैरह चाहिए तो ये बाइक आपको ये मिलने वाली है 96,000 में। थोड़ा सा इसका जो प्राइस है कम हो जाता तो बेहतर था। एनीवे इसका जो ओवरऑल प्राइस वगैरह है सब मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।